छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं अरुण साव और विजय शर्मा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अब 14 तारीख को कैबिनेट मीटिंग के बाद बीजेपी अपने घोषणाओं को पूरा करने की कवायद में जुट जाएगी, लेकिन मीटिंग से पहले ही विजय शर्मा ने कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। इसके अलावा चुनाव का लालच देने की बात कहते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो अब नहीं होगी तो आप लोगों का मैं पूछना चाहता हूँ कि कर्ज माफी तब की जाती है जब किसानों की व्यथा स्थिति ठीक ना हो। पिछली बार जो सरकार 5 साल तक रही, कहा किसानों की सरकार हुआ, फिर से कर्ज माफी की क्या जरूरत? चुनाव का लालच देना था खाली। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि किसानों के 21 क्विंटल धान 3100 रुपए क्विंटल पे, अभी जो धान किसान जो धान बेच चुके हैं उनको भी 3100 रुपए के हिसाब से ये सरकार भुगतान करेगी, उसमें कोई संशय नहीं। इसके अलावा कांग्रेस सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के सवाल पर विजय ने क्या कहा, ये भी सुनिए। जो योजनाएं कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो संचालित की थी, चाहे गोबर खरीदी की बात करें और अन्य, तो क्या अब नई सरकार आने के बाद कैबिनेट में थोड़ा बैठक हो जाने दीजिए, उस पर निर्णय करवाइए, मैं आपके सामने निर्णय कर दूंगा। तो बता दें, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी के नाम से जारी किया, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक के बाद इस पर अमल करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।